आज की प्रॉब्लम की शुरुआत हम कर रहे हैं आपके साथ वीवी प्रोग्रामिंग में अंत क्रांति की जो प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम पे बात करेंगे। हमने इससे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था लेकिन उस समय दिक्कत हो गई थी कि वो नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम है, एक काम करते हैं, मेरे पास एक लोकेशन है मार्च, इसके अंदर एक सीएसवी नाम का फोल्डर है, इसमें कुछ फाइल्स है जो कि सीएसवी फॉर्मेट में है, जी हाँ कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में है, ए भरी फाइल। अब मुझे इस फाइल को टैब सब में, इसमें एक्सेल की फाइल के अंदर में दूसरे फोल्डर में, एक्सेल वाले फोल्डर में भेजना है, कन्वर्ट करनी, सेव एज इसको करना। तो इसके लिए सिंपल हम सेव एज करवाएंगे। देखिए इसके लिए आप रिकॉर्डिंग मैक्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने रिकॉर्डिंग मैक्रो एक बार करते हैं और हम यहां से फाइल ओपन करते हैं। और शेयरिंग नहीं मिल रहा है सर। क्या शेयरिंग जो है ना, स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। आप जो कर रहे हैं वो स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। आदित्य कदम जी, आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है सर। देखिए सर, आपके यहाँ प्रॉब्लम होगा। देखता हूँ। और यहाँ एक्सेल के अंदर, यहाँ पे हम एक्सेल वर्कबुक में इसको सेव करते हैं, ठीक है, एंड क्लोज करते हैं माइक्रो को, स्टॉप करते हैं, डेवलपर में जाते हैं। ये रहा हमारा माइक्रो। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले वर्कबुक को ओपन किया, सीएसपी फाइल जो थी उसको क्या किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद फिर हमने उसको सेव एज कर दिया एक्सेलस के अंदर फॉर्मेट वगैरह, बस सिंपल सा है। इसी चीज को चलिए डायनेमिक करते हैं अपने हिसाब से। सबसे पहले तो यहां पे डिम ओरिजिन पाथ एज ए, देखो यहां पे सीएसबी कर देते हैं, सीएसबी एज ए स्ट्रिंग और डिम एक्सल एज ए ऑल्सो स्ट्रिंग। और यहाँ पे सी एस वी इक्वल टू जो हमारा सी एस वी का पाथ है उस पाथ को ले लेते हैं। और उसके बाद एक्सल इक्वल टू जो एक्सल का पाथ है वो पाथ ले लेते हैं, सिंपल। उसके बाद इसको हम इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। अब सबसे पहले हम यहां पे लगाएंगे यहां पे fn, एक और fn लेते हैं फाइल नेम, dim fn एज ए स्ट्रिंग, और एफ एन के ऊपर कहेंगे कि एफ एन इक्वल टू डी आई आर, सारे फाइलों का लिस्ट लेना होगा तो डी आई आर, और इसके अंदर हमने सी एस वी और कॉन्केटानेट मैंने कर दिया डॉट स्टार डॉट आपका सी एस वी, यहाँ स्टार देना होगा एंड कॉमा, तो यहाँ पे स्टार देना होगा मुझे, स्टार, और यहाँ पे कॉमा क्या करेंगे, कॉमा करेंगे वीवी नॉम। सारे फाइलों का लिस्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एफ एन के ऊपर। अभी यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला डू वाइल एफ एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो ये जो वन डॉट सी एस वी है इसको हटाते हैं, इसके साथ कॉन्केट करते हैं एफ एन जो फाइल नेम। अब जो एक्टिव वर्कबुक है डॉट फाइल नेम इसको सेव करना, बस मुझे यहां पे अपना फाइल नेम क्रिएट करना। तो फाइल नेम कैसे करें, एक्सेल पे रहता था टेक्स आफ्टर कर देता, तो यहां पे सी इक्वल टू इन एस टी आर,
इसके अंदर भी हमने बोला कि भाई एक से स्टार्ट करो, किसके अंदर ढूंढो, तो fn के अंदर ढूंढो, और हमने बोला कि डॉट को ढूंढो, क्योंकि मुझे फाइल का नेम चेंज करना होगा ना, जो भी नाम है उसको एक्सेस में कन्वर्ट करना। और फिर मैंने यहां पे n इक्वल टू, हालांकि इन लोगों का डिफाइन नहीं किया, ऊपर डिफाइन कर लीजिएगा, एक स्ट्रिंग होगा, एक का स्ट्रिंग n स्ट्रिंग होगा, और c जो होगा लॉन्ग वगैरह कर लीजिएगा, इक्वल टू लेफ्ट एफ एन में से सी को, सी माइनस वन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, सिंपल। अब यहाँ एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज फाइल नेम, और यहाँ इन्वर्टर कॉमा से तोड़ देते हैं, और इस वन को तोड़ के इसके जगह पे हम एन को लिखते हैं, और एन परसेंट में डॉट एक्सलेस जो लगा है उसको लगने, और फिर यहाँ पे एक्टिव विंडो नहीं, एक्टिव एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, क्लोज हम ट्रू करते समय ट्रू के साथ मतलब सेव करते समय क्लोज करेंगे, और फिर यहाँ पे करेंगे एफ एन इक्वल टू डी आई आर ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड देन लूप, और लास्ट में एम एफ जी बॉक्स के अंदर फाइल कन्वर्ट। तो चलिए वन बाय वन रन करते हैं एफएक्स से, ताकि कोई एरर होगा तो मुझे पता दिख जाएगा। सीएसपी पे आ गया, एफएन कर गया, यहाँ पे वर्कबुक ओपन हुआ, हमने अलग किया तो ये आ गया मुझे दो, इसमें से वन अलग हुआ तो फाइल का नेम वन आ गया, फाइल अच्छा ऑलरेडी है इसलिए ऐसा दिया है, और यहाँ पे ट्रू, एक मिनट स्पेलिंग मिस्टेक है, ट्रू क्लोज हो गया, आ गया लो। फिर वापस दूसरा फाइल ओपन किया, फाइल को सेव किया एंड क्लोज किया, तो ये कंटिन्यू जितने भी फाइलों है सारा काम यहाँ पे कर देगा, फाइल कन्वर्ट। अब चलिए हम फाइल ओपन करके देखते हैं, ये रहा एक्सेल के अंदर में सारा फाइल, अब इसको ओपन करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है सर। अजीत कदम जी, हाँ लेकिन क्या है हाँ सर, लेकिन क्या मेरे सर, इधर है मेरे ना, इधर है ना, मतलब मतलब 360 बोल के 360 बोल के आया, सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी लेवल आता है लेवल ना, आता है ना, उसके वजह से उसकी ओपन वजह नहीं से हो रहा ओपन नहीं हो, हो रहा हो, मतलब जो पॉपअप जो आता है ना पॉपअप आता अपना है ऐड अपना ऐड इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, जो जो लेबल आता है ना, लेबल आता लेबल है ना, लेबल सेंसिटिविटी लेबल, सेंसिटिविटी लेबल, वो वो है ना, है वो ना बीच में ओपन बीच में होता है, ओपन होता अगर है, मैं अगर सेव एस मैं करूँ सेव ना, एस आपके करूँ ना, आपके आपके यहाँ पे आपके तो यहाँ पे दिखाया तो नहीं, दिखाया नहीं, मतलब वो मतलब पॉपअप नहीं वो आया पॉपअप नहीं आया मेरे इधर, वो मेरे पॉपअप अंदर, आ वो रहा है हर पॉपअप आ फाइल रहा को है हर सेव फाइल को करने के सेव वक्त, करने के वक्त, वो वो सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी लेवल का लेवल का पॉपअप आ रहा है, पॉपअप आ रहा है, उसका उसका मतलब एडिंस मतलब में भी एडिंग्स देखा में भी मैंने, देखा निकाल के मैंने, वो नहीं नहीं मतलब निकल सर आप ऑर्गेनाइजेशन एक में बार रखा है उसमें रखा वैसा। है वैसा, हाँ उसका भेजिए मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, तब पता चलेगा ना क्या है। आप तो सिर्फ कोड भेज रहे थे, उसको अनेबल डिसेबल करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोटेक्टेड व्यू वगैरह में जाके यहाँ पे तो देखना पड़ेगा, हमें भेजता हूँ मैं आपको भेजता हूँ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, ठीक है। ठीक सर कल का अच्छा प्रोग्राम भी वो थोड़ा करेक्ट करना था, वो कुछ एरर आ रहा था कल। हाँ हाँ चल रिपोर्ट भेज देता हूँ, आप देख लीजिएगा, तो कल आप लोग सॉल्व नहीं किए इस प्रॉब्लम को, कर नहीं पाया कर नहीं सर, पाए, कर कर पाते तो कर ही पाते लेता। तो कर लेता। चलिए चलिए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। कल की फाइल का नेम था यूजर नेम डालते हैं एडमिन,
पासवर्ड ABC। लॉगिन किया, वेलकम का मैसेज आया, सब कुछ सही है। प्रॉब्लम था यहाँ पे, इसमें प्रॉब्लम था ना? हाँ सर, यहाँ पे प्रॉब्लम था, डिलीट हो रहा था। जी, तो हम चलते हैं यहाँ बटन टू बटन, हाँ दूसरा बटन पे क्लिक करते हैं, इसको रन करके देखें। वन किया, शो आ रहा है, एडिट पे डिलीट हो रहा था, राइट, ब्लैंक हो रहा था। क्लिक करते हैं एडिट पे, ब्लैंक होता है और ये नहीं चल रहा था, तो इसके लिए आते हैं एडिट पे। सबसे पहले कमांड मैंने लगाया था यहाँ पे, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जिट फंक्शन। पहले देखते हैं, अब करते हैं वन शो, एडिट फंक्शन नहीं, एडिट सब हो गया, सब। तो आ रहा है, एक मिनट रुक जाइए, इसको वापस रन करते हैं। वन शो एडिट, अब चेंज में मैं वन को पूजा को पूजा शर्मा कर देता हूं, एंड चेंज। पूजा शर्मा आ गया सर, शो करके देख लीजिए, हो रहा है सर? हाँ सर, हाँ ठीक। तो क्या दिक्कत थी, कि हमें क्या था कि जब मेरा ए ए चल रहा है, ए इफ चल रहा है, तो नीचे फिर क्यों चल रहा है, फिर नीचे भी चल रहा था, समझे कि नहीं? हाँ सर, समझ गया, समझ गया। इससे दिक्कत हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट सब करा दिया, बोला कि भाई जब ये चेंज वाला चलेगा तो फिर नीचे वाला क्यों चलेगा। होता क्या था, देखिए क्या प्रॉब्लम थी, कि ए एडिट क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था, ठीक, हाँ सर, हाँ सर, मैंने इसे चेक किया, एडिट है तो चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद फिर वापस नीचे चल रहा है, अगर चेंज हो तो फलाना फलाना काम करे, तो एक ही क्लिक पे सारा काम हो रहा था, क्योंकि ये तो चेंज कर दिया, चेंज करते यहाँ कंडीशन ट्रू मिल गए। समझ गया सर। अब कल मैं क्यों अटक रहा था, इसके दो कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि मेरा दिमाग से ये चीज नहीं आ रहा होगा, या हो सकता है कि आप लोगों को मैं टेस्ट ले रहा होगा, जो समझना है समझ लीजिए, क्योंकि छोटा सा यहाँ पे कमांड था और कुछ थे, और मैं कल की क्लास के बाद दोबारा इसको खोला भी नहीं है। आपने देखा ही है कि मैंने फाइल खोली है सबसे कल के ओपन में सबसे लास्ट में था। ऐसा होता है सर कभी कभार। अब आप लोग समझिए कि मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा था कि आप लोग इसको कर पाते कि नहीं कर पाते हैं, या फिर मुझसे कहीं गलती हो रही है, जो समझना समझ सकते हैं, लेकिन कोड को सही ढंग से अगर आप पढ़ते तो समझ में आ, ठीक है, आप फील कीजिए, एक्सेल की तरह अपने आप को सोचिए कि कोड क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पे क्या कहा, एकदम जैसे कि एक हम लोग किसी से बातचीत करते हैं ध्यान लगा के इंटरव्यू वगैरह में, से मुझे समझिए कि हम क्या इंट्रक्शन दे रहे हैं, ऊपर क्या दिए नीचे क्या दिए, ऊपर का इंट्रक्शन से नीचे को क्या दिक्कत हो रहा है, देन आप समझ आएगा, ठीक है। चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं आपके साथ लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स की, ठीक है, इसी फाइल में करता हूं, कंटिन्यू करके भेज दूंगा आपको। लिस्ट बॉक्स क्या होता है, कि कॉम्बो बॉक्स हम यहाँ पे जो फॉर्म ऐड करते हैं, मान लीजिए कि मुझे अगर कोई फॉर्म बना रहे हैं तो मुझे उसमें से सिटी को सिटी देना है, मान लीजिए यहाँ पे, तो अगर मैंने यहां पे लिखा सिलेक्ट सिटी और मैंने यहां पे अपना कॉम्बो बॉक्स उठाया और ड्रैग कर दिया, इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर वैल्यू कब आएगी, इसके अंदर वैल्यू कब आएगी, तो अगर वैल्यू मेरे पास लिस्टेड है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा पुणे, वैल्यू अगर लिस्टेड है तो मैं इस वैल्यू को ले लूंगा, कैसे, तो दो तरीके हैं, A1 से लेके A14 sheet 1,
यहाँ जब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको दिखेगा एक रो सोर्स, तो नीचे स्क्रॉल कीजिए, रो सोर्स मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा पाथ लिखिए, सीट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं स्पेशल मार्क ए, वहीं से लेके A40। ओके, अगर दिक्कत हो रही है तो किसी और सीट पे चले जाएं, इक्वल प्रेस करें और इसको सिलेक्ट कर लें। ए पूरा फॉर्मेट होना चाहिए, इसको कॉपी कर लें और यहाँ रो सोर्स पे डाल दें। ठीक है, अब से ये ले लिया। अब इसको रन कीजिए, रन करते हैं, इसको रन कीजिए, रन करते हैं, देखिए लिस्ट आ गया, आ गया। अब मान लीजिए कि ये लिस्ट कहीं पे जाना है तो वहां पे commabox1.value चला जाएगा। अब यहां पे अगर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मुझे कुछ अपना प्रोडक्ट है, मेरा कुछ लिस्टेड प्रोडक्ट है, मुझे तीन चार प्रोडक्ट है जो कि याद है, मैं उसके लिस्ट कहीं रखना नहीं चाहता, ठीक है। उसकी प्रोडक्ट हम कहीं रखना नहीं चाहते, तो यहां हम कॉम्बो बॉक्स को लेते हैं और हम डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर, यूजर फॉर्म को। यहां से यूजर फॉर्म सिलेक्टेड है, क्लिक के जगह पे इनिशियलाइज, इनिशियलाइज का मतलब हुआ जब मेरा यूजर फॉर्म ओपन, और यहां पे लिखते हैं विथ मी डॉट कॉम्बो बॉक्स टू, और यहां पे लिखते हैं डॉट एड इन एड आइटम, और यहां पे प्रोडक्ट में मान लीजिए हमने एक्सेल ले लिया, डॉट एड आइटम, यहां पे हमने मान लीजिए वीवीए ले लिया, डॉट एड आइटम, यहां पे मान लीजिए मैं डैशबोर्ड ले लेता हूं। ऐसे मेरे पास लिस्ट है, ऐसे वन बाय वन करके आप डाल, और फिर इसको जब रन कीजिएगा एंड इफ नहीं होगा एंड विथ होगा। अब इसको रन करते हैं तो देखिए यहां पे लिस्ट आपके आ रहा है, यहां से एक्सेल फाइल से डायरेक्ट ले रहा है, एक्सेल शीट से यहां पे ले रहा है। अब तीसरा आता है, मान लीजिए कि मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट बना है, जैसे कि ये मान लीजिए बना है और मैं पॉपुलेट कराना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक्सेल का जो यहाँ पे पाथ दिया था ना, ऐसे पाथ नहीं देना चाहता हूं। तो उस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉमा बॉक्स में आते हैं, यहाँ पे इसको लेते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं आई रीच, और डबल क्लिक करते हैं, यहां पे हम लूप लगाएंगे, फोर टू टू फोर आई इक्वल टू 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 चले कितना फाइव फाइव सॉरी, और नेक्स्ट आई, और यहां पे मी डॉट कॉम्बो बॉक्स थ्री डॉट एड आई, ठीक है, डॉट राइट। और क्या, तो सेल्स आई रो एंड वन कॉलम, ठीक है। तो इसको रन कीजिएगा तो यहां देखिए सारी लिस्ट आ गया। तीनों तरीके से आप इसके अंदर डेटा को डाल सकते हैं। तो चलिए इसमें एक और हम प्रोजेक्ट करते हैं, इसके लिए मुझे अपना डेटा बनाना पड़ेगा। सीट टू पे आता हूं, ए मेरा हो गया सिटी, ये हो गया हमारे पास नेम, ठीक है। तो सिटी को मैंने यहाँ पे पुणे किया, पुणे, और नीचे तक ड्रैग कर दिया। कई सारे सिटी ऐसा हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने अगेन हमने यहाँ पे क्या किया, पूजा लिया, पूजा, और इसको नीचे की तरफ रिपीट कर दिया। हम डिपेंडिंग लिस्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं, और मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे हम
लिस्ट बॉक्स में रिमूव डुप्लीकेट कर देते हैं। अब जो है यहां पे, तो मैं चाहता हूं कि पुणे जो है यहां पे, अगर मैं पुणे सिलेक्ट करता हूं या दिल्ली सिलेक्ट किया, तो दिल्ली के अंदर में इतने सारे लिस्ट हैं ये आ जाए। तो हम कौन डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स कह लीजिए या डिपेंडेंट कॉमा बॉक्स, लिस्ट बॉक्स हमारा दोनों एक ही तरीके से परफॉर्म करता है। तो यहां पे हम आते हैं यूजर फॉर्म में और यहां ड्रैग करते हैं, यहां पे हम लेवल लेते हैं जिसमें लिखते हैं सिलेक्ट सिटी, सिलेक्ट सिटी, और इस सिलेक्ट सिटी के अंदर हम अपना कॉमा बॉक्स ड्रॉ करते हैं। और फिर यहां पे देते हैं एसओ या जो भी है दे देते हैं, और ये चीज हम देते हैं लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स दिख रहा है, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स एक ही तरह से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से जो भी सिलेक्ट करूं इसके अंदर आ जाए। तो यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहां पुणे कई बार रिपीटेड है, सबसे मुझे इसका यूनिक लिस्ट निकालना है, राइट। तो डबल क्लिक करते हैं और यहां यूजर फॉर्म इनिशियलाइज पे जाते हैं। अब यहां पे लिखते हैं डिम डीटी एज ए न्यू कलेक्शन। न्यू कलेक्शन डेटा टाइप है जो कि अपने अंदर डेटा स्टोर करता है कई सारा, बट डुप्लीकेट नहीं, जस्ट यूनिक करता है, डुप्लीकेट होने पे एरर देता है। अब यहां पे फिर देते हैं फोर आर इक्वल टू, चले टू टू, अब ऑटोमेट कर दीजिए या मैनुअल, मैं मैनुअल लिख देता हूं, आप ऑटोमेट कर लीजिएगा 61, देन नेक्स्ट आई। अब यहां पे लगाते हैं फॉर्मूला कि सिंपल सा डी टी डॉट एड, एड के अंदर आइटम फॉर्मूला सेल्स आई कॉमा डॉट वैल्यू, इसका की में हम क्या करेंगे सी एस टी आर, और इसके अंदर की सेल्स, सेल्स के अंदर आई कॉमा वन डॉट वैल्यू, तो सारा की ऐड कर देंगे। और ऐड करते समय एरर आएगा, तो यहां पे देता हूं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ठीक है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब यहां पे हम क्या करेंगे फोर इच आइटम इन डीटी, यहां पे मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट एड आइटम इक्वल टू आइटम, और यहां पे नेक्स्ट आइटम, सिंपल सा। तो पहले हम सारे रखेंगे यहाँ पे, जो जो यूनिक होगा वो आया होगा, जो यूनिक नहीं होगा उसमें एरर आएगा, तो ऑन एरर जून उसको बाईपास कर देगा। फिर आएगा फोर इच आइटम इन डीटी, जितने भी डीटी के अंदर आइटम है सबको हम कॉम्बो बॉक्स में ऐड कर। अब इसको यहां से रन, यहां इस पर मिस्टेक है, यहाँ पे सारे आएगा। और इसमें पुणे सेलेक्ट किया तो इसके अंदर पुणे के ही नेम आने चाहिए, तो ये कब हो जब मैं इसको चेंज करूं। अब मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं और लिस्ट बॉक्स वन और चेंज बाय डिफॉल्ट आ गया, बट आप यहां से चेंज कर सकते हो, चेंज हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहां, अब मेरे पास यहां है कि इसके अंदर डुप्लीकेट नहीं है, मुझे पता है, अगर डुप्लीकेट होता तो इसका यूज करते, पर डुप्लीकेट नहीं है, तो यहां पे लूप लगाते हैं कि फोर आर इक्वल टू, चले टू टू 61 एंड नेक्स्ट आर, और यहां पे करना है कि मी यहां इफ कंडीशन, इफ सेल्स आई कॉमा वन, जो मैं सिटी है डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट वैल्यू से,
दैट मी डॉट एड मी डॉट कॉम्बो लिस्ट बॉक्स वन डॉट एड आइटम और यहां पे एड और सिंपल सा यही करना है इसमें और कुछ नहीं, बट यहां पे एक चीज करना है मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट क्लियर, ये जरूरी है। मतलब क्या होगा कि वो ऐड करता जाए सारे जो भी सिलेक्ट करेंगे सारा एक नीचे डालता जाए, वो पहले वाले का रिमूव नहीं करेगा। इसे हमने बोला कि पहले वाले का रिमूव करो। तो जैसे मैं यहाँ पे आया पुणे को सिलेक्ट किया, बट यहाँ पे पुणे का नाम नहीं आया। ओ, 1 मिनट, एड आइटम बट क्या दिया ही नहीं हमने, तो सेल्स आई कॉमा टू दूसरा कॉलम का, पहले कॉलम का चेक किया दूसरे कॉलम का दिया। अब यहां पे देखिए पुणे आ गया सर, मुंबई, मोहन, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट कॉम्बो बॉक्स या डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स। जैसे आप लोग करते हैं सिटी स्टेट सेलेक्ट किया, सिटी सेलेक्ट किया, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, ब्लॉक सेलेक्ट किया, सेम इसी तरह से बनते हैं। और इसी तरह से जैसे दो किया ऐसे बाकी पे हम करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें? हाँ सर, नो सर, नो सर। चलिए अब हम बात करेंगे इसी तरह से, जब इस तरह से लिस्ट ला सकते हैं तो क्या हम डेटा ला सकते हैं। मैं एक फिल्टर बनाना चाहता हूं चेक करने के लिए, जैसे कि यूजर फॉर्म किया, यूजर फॉर्म मैंने यहां पे थोड़ा सा बड़ा लेता हूं और इसके अंदर लिस्ट बॉक्स लिया उससे भी बड़ा, उससे बड़ा नहीं लेंगे उसी के आसपास लेंगे, और यहां पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहां पे मैंने बोला एंटर नेम। और यहां पे हमने किया बटन्स लिया जिसमें बोला गेट डेटा। तो जब मैं इस पे क्लिक करूं तो जो नाम मैंने दिया है उसकी पूरी डेटा यहां आना चाहिए। डेटा कहाँ है? डेटा वाले शीट पे, यहां पे है। यहां से पूरा डेटा इसके अंदर पॉपुलेट होना चाहिए और डेटा वो कहीं कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं एक ही जगह पर, कहीं कहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जो कॉलम काउंट है ना उसको यहाँ पे कितने हमारे 8 है, तो यहाँ पे मैंने 8 कर दिया ताकि 8 कॉलम लें पहले। उसके बाद हमने इनिशियलाइज किया और इनिशियलाइज करने के बाद सबसे पहले तो सारे कॉलम्स को यहाँ डालना है, तो यहाँ पे यूजर फॉर्म इनिशियलाइज पे जाते हैं, इनिशियलाइज। और नहीं ये फंक्शन बनाते हैं पहले, तो दोनों जगह पे कॉल करना है ना, फंक्शन हेडिंग के नाम पे, एचडी के नाम पे। अब यहां पे लिखते हैं कि 4 r = चले 1 2 कितने हैं 8 8 और नेक्स्ट आर। इससे पहले यहां पे हम एक लेते हैं कि डिम डी, हमने एरर दे दिया कि इसके अंदर 1 to 1 रो है बट 1 to 8 कॉलन। ठीक है सर, और यहां पे करते हैं डी टी डी, यहां पे आई नहीं, यहाँ 8 4 यहाँ सॉरी डी, यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे 1 होगा और आई कॉलन होगा इक्वल टू सेल्स सेम 1 रो एंड आई कॉलन। और यूजर फॉर्म इन स्लाइड में हम यहाँ पे डालते हैं मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इक्वल टू डी 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 लिस्ट इक्वल टू, नहीं यहां पे नहीं डालेंगे ना, इसको यहां डालेंगे
me dot list works one dot list equal to जी यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे सिंपल से हम यहाँ पे p इक्वल टू एक वेरिएबल लेते हैं और एच डी को कॉल कर लेते हैं सिंपल। तो जैसे यूजर फॉर्म वन मेरा ओपन होगा, एक मिनट, इनवैलिड प्रॉपर्टी मतलब और डी होगा क्या डीसी के बाद में? कहाँ डी? डी तो यहाँ डाला होगा ना। बी डॉट लिस्ट बॉक्स हाँ हाँ यहाँ डी होगा। आ गया सारा हेडिंग, ठीक है सर। अब मैं इस पे डबल लेकिन क्लिक करता हूं और सारा का सारा यहाँ लेके आता। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे करता हूं मी डॉट लिस्ट वर्क्स वन डॉट क्लियर, क्लियर किया। फिर हेडिंग डालूंगा जो कि है पी इक्वल टू एच डी, इसलिए मैंने फंक्शन बनाया ताकि दोनों जगह पे काम आए। अब यहां भी सेम करते हैं, यहां पे डिम करेक्टर देते हैं कि डिम डी टी, और यहां पे वन टू मैंने एक संभावित 1000 रो ले लेता हूं और वन टू कॉलन में 82 कॉलन ले लेते हैं सिंपल सा। अब यहाँ पे लूप लगाते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले टू टू। अब यहाँ पे हम इसको ऑटोमेट कर देते हैं रेंज लगा के, रेंज। अब देखिए सेम सीट पे हो रहा है, अगला सीट पे होगा तो सीट का आगे रेफरेंस देना पड़ेगा, मैं यहाँ सीट का रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हमने सीट का रेफरेंस नहीं दिया तो ये सारा वर्क होगा सेम सीट के डेटा पे रो। नेक्स्ट आर, अब यहां पे कंडीशन होगा कि इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू सेल्स आई रो एंड वन वन नहीं टू, नाम टू कॉलम में टू कॉलम डॉट वैल्यू देन क्या हो डी टी यहाँ पे। यहाँ पे हम आर कॉमा सी, एक और फोर लग गया, फोर फोर जे इक्वल टू चले वन टू एट, और फिर डी टी यहाँ पे आर कॉमा जे कॉमा जे, जे हो गया कॉलन इक्वल टू सेल्स यहां पे आई कॉमा जे डॉट वैल। बट आर क्या है? अरे आर के लिए मुझे यहां पे ऊपर कि आर इक्वल टू आर प्लस वन, क्योंकि इसके अंदर रो चाहिए ना, वरना अगर हम आई ले लेंगे तो ब्लैंक ब्लैंक आ जाएगा ना सर, क्योंकि आई सारे वन टू थ्री सब में डेटा थोड़ी है, कुछ में होगा जिससे मैच करके उसी का डेटा लेंगे ना, तो ये तो यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक जो हो जाएगा। जैसे एक पहले में आया तो एक आएगा, फिर चौथे में आएगा, फिर आठवें में आएगा, तो उस तरह से डेटा आएगा तो बीच बीच में ब्लैंक दिखेगा, इसलिए मैंने अपना एक आर ले लिया, आर इक्वल टू आर प्लस वन, और उसी हिसाब से डेटा डालता चाहिए। और इस आर इक्वल टू आर प्लस वन को मैं फोर जे में नहीं, फोर आई में, यहाँ ऊपर रखूंगा आई के अंदर रखूंगा, तो ये एक रो में एक ही बार वो करेगा, क्या बोलते हैं, ऐड करेगा। अब देखिए इसको हम रन करते हैं, लेकिन डीटी पे गया ना, फिर वापस मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट एड लिस्ट, सॉरी लिस्ट इक्वल टू डी टी एंड ओके। यहां पे देते हैं पूजा, हेडिंग एच डी, कितना स्पेलिंग मिस्टेक करता हूं मैं, बट नाम हेडिंग गायब हो गया ना सर, क्या सर
सेटिंग्स में गायब हुआ कि जो हम लिस्ट दिया ना यहाँ पे, तो लिस्ट के अंदर में वो पहले से जो है उससे लेना देना नहीं है, वो क्लियर कर देगा। पीएचडी डालने का कोई फायदा नहीं है, यहीं पे डलेगा, इसमें नहीं डलेगा। तो फायदा है, तो हम क्या करते हैं, ये जो लूप आपको दिख रहा है इस लूप को लेते हैं, और यहाँ लूप चलाने से पहले, ये डीटी डिफाइन करने से पहले यहाँ पे हम कर देते हैं डी के जगह पे डीटी, यहाँ भी कर देते हैं डीटी, वन कर दिया। अब यहाँ पे हम लूप से पहले आर इक्वल टू वन कर देते हैं ताकि यहाँ टू से डलना स्टार्ट हो, ठीक है। अब रन करते हैं। अब यहां पे जैसे मैंने पूजा डाला गेट डेटा, तो देखिए पूजा का डेटा है। अब यहां पे मान लीजिए मोहन डालते हैं गेट डेटा, तो मोहन का डेटा आ गया, ठीक है। यहां पे उदय डालते हैं, तो यहां पे उदय का डेटा आ गया। अब मुझे क्या करना है कि इसके ऊपर से सिलेक्ट किया, मुझे इस डेटा के साथ छेड़छाड़ करनी है, तो जब इस पर डबल क्लिक करूं तो ए वाली जो फॉर्म है, यूजर फॉर्म टू, ये खुल जाए और इस डेटा सारा का सारा आ जाए, समझे। तो क्या करेंगे, यहां पे आते हैं, इस पे आते हैं, और यहां पे हम करते हैं लिस्ट बॉक्स डॉट डबल क्लिक, डबल क्लिक पे, सिंगल क्लिक नहीं, हम करते हैं डबल क्लिक, नहीं क्लिक करते हैं वो हो जाएगा, डबल क्लिक। डबल क्लिक में हम सिंपल करते हैं कि यूजर फॉर्म वन, वन नहीं टू है ना, टू डॉट शो, और यहां पे यूजर फॉर्म टू डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू यूजर फॉर्म, यहां मी यूज नहीं करेंगे, फाइव डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट वैल्यू, सिंपल सा। अब देखिए, अब इसको हम रन करते हैं। हमने यहां पे मान लीजिए कि हमने यहां पे ओम का डेटा लिया और गेट डेटा किया, डेटा आ गया। अब मुझे ओम के 19 नंबर को छेड़छाड़ करनी है, तो इस पर डबल क्लिक किया, बट यहाँ 19 नंबर नहीं आया, यहाँ 19 नंबर तो डायरेक्ट मैनुअल लिख के शो करना पड़ेगा फिर, ये ऐसा क्यों हुआ, यूजर फ्रॉम टू डॉट शो, यूजर फ्रॉम टू डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट बॉक्स फाइव, ओह 1 मिनट, डिम आई डी एज ए लॉन्ग, और आई डी इक्वल टू, ठीक ये टेक्स्ट बॉक्स हुआ नहीं है ना, हाँ इसको प्ले करते हैं, यहाँ पे डालते हैं ओम, सॉरी ओम गेट ये ओम क्यों नहीं आया, इसमें एक काम करता हूँ, मैं जी बॉक्स के अंदर आईडी को शो करवाता हूँ, अब आया। सही मैसेज बॉक्स डाल दिया तो आ गया,
ऐसा क्यों हुआ? अच्छा वो मैसेज बॉक्स हटा रही है, मैं अब देखता हूँ। होम गेट डेटा, अब आ रहा है। हो सकता है उसमें प्रॉब्लम था, शो पे क्लिक कीजिए डेटा आ जाए। ठीक है, अगर आप चाहते कि नहीं शो का काम भी ऑटोमेटिक हो जाए तो क्या करेंगे, ये जो शो है इस शो को फंक्शन में डाल के वो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, या फिर जो शो पे जितना भी ए है कोड है, यहाँ यूजर वन पे, यहाँ पे ये शो के ऊपर जो कोड है। अच्छा इसमें एक काम कर सकते हैं, क्लिक करवा सकते हैं, एक मिनट, यूजर फॉर्म डॉट कमा, यहाँ पे यूजर फॉर्म टू डॉट कमांड बटन वन डॉट, नहीं एक्सलेटर, एक्सलेटर क्या होता है देखिए एक बार करके। नहीं एक्सलेटर इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं सर ऐसा कुछ अच्छा नहीं सर, उसके लिए हमें पूरा कोड दिखना पड़ेगा। वहां जो मैंने कोड दिखा था ना, वो पूरा कोड यहाँ देना पड़ेगा, जो यहाँ पे इस पे कोड है। ठीक है सर, ये पूरा कोड यहाँ का लिखना पड़ेगा, और सर डीटी वगैरह हटाना पड़ेगा, क्योंकि डीटी तो नहीं, डीटी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसको कॉपी करते हैं और हम जाते हैं इसके अंदर, इसके अंदर डबल क्लिक। मी के जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर फॉर्म टू, या फिर यहाँ पे आईडी, यहाँ तो आईडी ही रहेगा, और यहाँ पे यूजर फॉर्म पूजा गेट, क्यों नहीं है? ओ मैंने एक बार डलता है तो पिछला देता है यहाँ पे, एक मिनट एक ये गलत हो गया, इधर पे ध्यान नहीं दिया मैंने। अच्छा इसको बिना शो किए हुए हम यहाँ डालेंगे तो वर्क करेगा? अब सही है, उल्टा कर दिया था, मैं ऊपर डालना था यहाँ पर, लेकिन फिर डेटा नहीं आ रहा, तो इस डेटा को भी शो से पहले डालना पड़ेगा। ये शो दिख रहा है आपको, ए कट, और यहाँ पे अब देखते हैं होम गेट डेटा 19 नंबर, डबल क्लिक किया, थोड़ा डेटा आ गया सर।
ठीक है। अब इसके बाद एडिट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे एडिट में मान लीजिए कि मैंने ओम ओम तो रहने दीजिए, यहाँ पे 230 कर दिया, चेंज कर दिया, चेंज हो गया, इसको क्लोज किया। अब यहाँ पे वापस गेट पे किया तो ये देखिए 230 आ गए। समझिए सर, क्लियर है सर? क्लियर सर, हाँ, यूजर फॉर्म में मोस्टली यही यूज होता है। कल जो है बाकी जो चीजें हैं सबका यूज करके हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? तो आज इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फाइल सर। अगेन भेज देता हूँ सेव करके, जैसे कल आपने खोला था ऐसे ही इसको खोलिएगा, ठीक है? ठीक है सर। चलिए, ओके, बाय।